फरीदाबाद के पार्क प्लाजा होटल में डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आउटरीच इनिशिएटिव वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस मौके पर डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के प्रधान जेपी मल्होत्रा और कई उद्योगपति इस मौके पर मौजूद रहे और वहीं मुख्य वक्ता के रूप में रजत राणा, प्रतीक पाठक और ऋतु कपूर उपस्थित रहे, जिन्होंने प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट और यूजिंग माइंड पावर के बारे में जो अभ्यर्थी हैं, करीब 75 अभ्यर्थी इस मौके पर मौजूद रहे, जिनको उन्होंने कैसे आत्मस्वलंबी बना जा सकता है और वह कैसे कुशल कारीगर बन सकते हैं उसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी, टिप्स दी। और इस मौके पर आप देख सकते हैं, हम आपको विजुअल दिखा रहे हैं, वर्कशॉप चल रही है और वहीं इस मौके पर टूल किट भी जो है अभ्यर्थियों को दिया गया। तो आइए कुछ अभ्यर्थियों से बातचीत करते हैं, उसके बाद डीएलएफ के जो प्रधान हैं उनसे बातचीत करते हैं। उनके पास आपका नंबर था क्योंकि आपने आईटीआई से वो किया है, ठीक है, तो उनकी कॉल आई तो उसके बाद जो है आपको ये अप्रेंटिस करने का मौका मिला है। तो क्या एक्सपीरियंस है आपका? सर, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है अभी तक। किस तरह से, क्या कुछ दिक्कतें आ रही हैं या कुछ आपको कुछ समस्याएं आती हैं तो मदद? हाँ सर, उसके लिए मैम हमारे लिए साथ खड़ी होती है, मैम हर प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं। चार माह के कोई भी शिकायत पहुंचती है तो मैम तुरंत आती हैं। किसी भी तरीके की हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, नहीं सैलरी में आती है और नहीं ट्रेनिंग में आ रही तो है। अभी आपको कितने पैसे मिल रहे हैं? सर, हमें 8500 रुपये मिलते हैं ट्रेनिंग वाले और 1500 रुपये गवर्नमेंट वाले मिलते हैं। तो जब इसके बाद कुछ आपको जॉब वगैरह का भी कुछ बोला है कि भाई? हाँ सर, अभी अप्रेंटिस कंप्लीट होने के बाद में मैम ने जॉब के लिए बोला है, उसके पहले एग्ज़ाम होगा। तो कुल मिला के आप जो डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की जो ये पहल है आपको एक आत्मनिर्भर बनाने के लिए, तो उससे आप मतलब संतुष्ट हैं? यस सर। ये आपको प्लेटफॉर्म मिल रहा है और आपकी क्या सक्सेस स्टोरी, कैसे आपको अप्रेंटिस करने का मौका मिला? मैम ने हमें कॉल किया था, फिर हमें आईटीआई में बुलाया गया था, मैम ने जो भी था हमें समझाया, उसके बाद उन्होंने हमें अपनी कंपनी में बुलाया और वहाँ से फॉर्म भरवा के हमें जीवा डिजाइन्स भेज दिया जी। तो फ़ोन नंबर कैसे मिला आपको, कहाँ से मिला, कहाँ से? मैम को हमारा नंबर आईटीआई से मिला था क्योंकि मैम आईटीआई गई थी। तो कौन से साल में आपने आईटीआई से किया? पिछले साल ही किया है, 2023 में। तो आपका नंबर था तो उन्होंने कॉल किया, तो उसके बाद आपको कितने दिन लगे और किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपको सीखने के लिए? किस, क्योंकि मेरी एज पूरी नहीं थी तो मुझे वेट करना पड़ा 1 महीने का। अच्छा। उसके बाद हमने खुद ज्वाइन कर लिया था, मैम ने बुलाया था हमें कंपनी में, फिर वहीं से ज्वाइन करवा दिया था। अच्छा, तो अब आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? नहीं, अभी हम अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं। अच्छा, अभी 6 महीने और चलेंगे। 6 महीने और चलेगा, तो किस तरह का अनुभव है इस टाइम आप? अच्छा अनुभव है, पहले हम सिलाई में हैं इसलिए सिलाई सिखाते थे, उसके बाद जब हम थोड़ा लर्न कर गए उसके बाद हमें चेकिंग में भेज दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? नेहा नाज। नेहा नाज जी, किस तरीके से आपको प्लेटफॉर्म मिला और आप जो है ये किसके थ्रू आप जो है अपनी अप्रेंटिस कर रही हैं और किस तरह से देखती हैं आपको जो ये आत्मनिर्भर बनाने की इनको पहल है? जी, मैंने आईटीआई की थी 2022 में, मतलब हाँ, और 2023 के समथिंग मतलब कंप्लीट हो गई थी मेरी आईटीआई। उसके बाद में मेरा मतलब कॉल आया था, पोर्टल पे नाम था, मैम ने मेरे पास कॉल किया कि आपको अप्रेंटिस करनी है, आप इंटरेस्टेड हो? मैंने बोला जी। तो आप उन्होंने हमें बुलाया अपने पास, अच्छे से समझाया, बताया कैसे आपको क्या करना है, कैसे फॉर्मेलिटीज़ हैं जो भी है सब। उसके होने के बाद में फिर हम कंपनी में गए, कंपनी में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा और वो ही चीज़ चल भी रही है अभी, स्टार्टिंग है अभी, 3-4 महीने हुए हैं अभी इस चीज़ को। 1 साल के बाद फिर हमें वो मैम सर्टिफिकेट भी देगी। मैं डीएलएफ एसोसिएशन का धन्यवाद करूंगी जिसके थ्रू हम अप्रेंटिस कर रहे हैं। अमित कुमार है, मैं डीएलएफ एसके डाइन से हूँ। जैसा कि मुझे पता चला, हम जॉब कर रहे थे एसके डाइन में, फिर हमें कन्वर्स किया गया नेहा मैडम के द्वारा, जो डीएलएफ इंडस्ट्री एसोसिएशंस की कन्वर्सेशन मैम है। उन्होंने हम लोगों को गाइड किया, हमें बताया, जैसे कि हमारे सर भूपेंद्र जी एंड जेपी मल्होत्रा सर हैं, इनके ज़रिए हमें पता चला। तो इन्होंने हमें बताया कि ये बेनिफिट्स चल रहे हैं और जैसे कि आज की डेट में देखते हैं तो सर, अभी आपकी चल रही है जी सर, हमारी कितने महीने का और कोर्स है? अभी सर आई थिंक 6 मंथ का और डायरेक्शन है। तो डीएलएफ इंडस्ट्रीज एसोसिएशन से आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? सर, बेनिफिट्स ये मिल रहे हैं सर हमें, जैसे कि हमें बेहतर ट्रेनिंग एंड जैसे सर हम आज की डेट में जाते हैं ना इंडस्ट्रीज में, तो हमें जॉब के लिए बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि आज की डेट में ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ऐसे मतलब बच्चे हैं जो कहते हैं कि हमें एक्सपीरियंस चाहिए,
तो एक्सपीरियंस तो सबके पास होता है, लेकिन हुनर कहते हैं किसी के पास नहीं होता। आपको जॉब के लिए अशॉर्ट किया है? अशॉर्ट किया है जी सर, बिल्कुल। बेनिफिट्स भी मिल रहे हैं और हमें सीखने को भी बहुत सी क्लासेस, जैसे हमने अटेम्प्ट करते हैं, अभी तक हमारी 9th ट्रेनिंग प्रोग्राम हो चुके हैं जिसमें हमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली हैं। ठीक है। शिंटू यादव नाम है। शिंटू यादव जी सर, तो आप अप्रेंटिस कर रहे हैं, आज वर्कशॉप में पहुंचे हैं, किस तरीके से आपको इस अप्रेंटिस करने का मौका मिला, किसके थ्रू आप ये किया? ये मैंने सर सर मैं जो ये DLF इंडस्ट्री एसोसिएशन में एक नया मैडम है, उनके थ्रू मैं यहाँ पे कांटेक्ट हुआ हूँ और उनके थ्रू मैं यहाँ पे अप्रेंटिसशिप कर रहा हूँ। उनका फ़ोन आया था कि आपको एक अप्रेंटिसशिप के लिए जो है हायर किया जा रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप मेरे इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, तो कितने महीने हो गए आपको? सर ये तो मेरे को अभी 2 महीने हो गए हैं। अच्छा, ठीक है, अभी और वर्किंग जो है बाकी है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी मिली है। और सर अभी तो मैं नया ज्वाइन हुआ, लेकिन जितने भी दिन हुए मैंने इसमें बहुत ही सीखा है। अच्छा जी सर, तो किस तरह का आपका अभी अनुभव, कितने दिन का है आपका? सर अभी 1 वीक का सर। अच्छा जी सर, ठीक है। तो कुछ आपको सैलरी वगैरह भी कुछ बोला है कि भाई? सर बताया सर 10K का। अच्छा जी सर, ठीक है। तो और जो बच्चे आना चाहते हैं उनको क्या आप गाइडेंस? सर मैं कहना चाहूँगा वो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि यहाँ पे जो है कि बहुत बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करती है मैम। अच्छा। मतलब सैलरी वाली सब चीज़ ठीक है। अच्छा। टाइम से आती है, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर आज DLF इंडस्ट्रीज एसोसिएशन ने वर्कशॉप का आयोजन किया है, किस तरह का वर्कशॉप है? हम देख रहे हैं कि युवा कई बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज ये DLF इंडस्ट्रीज ने स्ट्राइव प्रोजेक्ट के अंडर एक वर्कशॉप अवेयरनेस की है, जिसमें मोर देन 75 पार्टिसिपेंट्स हैं, और ये अपनी तरफ से यूनिक चीज़ है जिसमें एम्प्लॉयर भी हैं, अप्रेंटिसेस भी हैं, हमारे सीनियर मैनेजर्स भी हैं, ITIs के इंस्ट्रक्टर्स भी हैं, और हमारे कंसल्टेंट्स भी हैं जो उन्होंने स्ट्राइव में ट्रेनिंग दी है। तो अपनी किस्म की एक इनोवेटिव वर्कशॉप जो है हमने ऑर्गेनाइज़ की है, और इसमें आज इसका लक्ष्य ये भी रहा कि हमने जो है सेफ्टी इक्विपमेंट, टूल किट्स और रीडिंग मटेरियल की बुक एक रिलीज़ की है, जिसमें ट्रेनिंग मटेरियल जो है हम सब बच्चों को देंगे, अपनी कंपनी के जो 140 मेंबर्स हैं उनको देंगे, ताकि फ्यूचर में जो लोग हमारी ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर पाए वो घर बैठे बैठे इसका अध्ययन कर सके और हमारी स्कीम का फ़ायदा उठा सके। कि अच्छे कुशल कार्य जो है अप्रेंटिस मिलना बड़ा मुश्किल हो, तो किस तरह की सरकार की इस पहल को? देखिए ये DLF सौभाग्यशाली है, जिसको कि गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट किया, जो वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस्ड है, और हमने अभी तक जितने पैरामीटर्स हैं अभी उनके ऑफिसर जी बता गए हैं, नाम नहीं लूँगा दूसरे सुनगा, वो 3-4 दिन पहले वहाँ गए थे, कि बाप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, और एज़ पर जो प्लान है हमारा एक ना प्लान अप्रूव्ड है कि हमने क्या क्या काम करना है, उस प्लान के मुताबिक हमने 80% तक काम कर दिया है, और क्योंकि प्रोजेक्ट को कट शॉर्ट करना पड़ रहा है, 30 मई तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, और उसके बाद हम सेल्फ ट्रेनिंग मॉडल पे इसको आगे बढ़ाएंगे, ताकि युवा लोगों को एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत ना हो, वो आके इंडस्ट्री में काम सीख सके और उसके बाद इंडस्ट्री में काम कर सके। तो आने वाले दिनों में संख्या बढ़ सकती है? बिल्कुल बढ़ेगी। आज हमारी गवर्निंग बॉडी की मीटिंग भी थी, टूटा जी, अजीत चावला जी, ML गोयल जी सारे आए हुए थे, भूपिंदर सिंह जी, और हमने डिसाइड किया है कि इस बात को हमें छोड़ना नहीं है। गवर्नमेंट अगर पैसा देती है बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो हम अपने दम पे जो है इसको सेल्फ सस्टेनिंग PPP मॉडल जिसको बोलते हैं उसके बेस पे चलाएंगे, और पर्पस ये है कि आज का जो नौजवान है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको हमने कंपनी में प्लेटफॉर्म भी देना है, प्लेटफॉर्म देना है। तो DLF का उद्देश्य भी यही है? DLF का प्राइमरी उद्देश्य है जी, कि हमने इससे दोनों को फ़ायदा है, हमारी कंपनी को फ़ायदा है कि भाई बच्चे मिल गए, ट्रेन करो अपने मुताबिक और बाद में उनको रखो, और बच्चों को फ़ायदा है हमारे पास आए, हम मौके के मुताबिक कंपनियों में भेजेंगे। 50 कंपनियों ने हमारे साथ अनुबंध कर रखा है, एग्रीमेंट कर रखा है, रिटर्न 40 ने कर रखा है, 10 और करेंगे। आज अभी हमने फैसला किया है कि जी अगले 10 दिन में 10 कंपनियों को ऐड करो, 50 कंपनियों से अनुबंध है, रिटर्न में एग्रीमेंट है हमारा MOU, कि जैसे हम कहेंगे वैसे करेंगे, दैट मीन्स बच्चे रखेंगे, टाइम से करेंगे, बच्चों की इंश्योरेंस करा रहे हैं हम, यूनिफॉर्म दे रहे हैं हम, जितने बेनिफिट्स हैं जो एक वर्कर को मिलते हैं, क्योंकि वर्कर तो है नहीं, अप्रेंटिस ही, तो जितने बेनिफिट्स इनको दे सकते हैं हम वो देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद सर। थैंक यू।